आज अब हमको दही बनाना सिखा रहे हैं। दही के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो दूध है और थोड़ा दही है और जो है वो जिस बर्तन में हम बना रहे हैं वो है। दही बनाने के लिए तीन अहम पॉइंट ये हैं कि इनका रेशो कैसा होगा। दूध का और दही का रेशो बहुत अहम चीज़ है, और इसके अलावा ये कि आप किस बर्तन में बना रहे हैं और उसको कितने घंटे दे रहे हैं, किस मौसम में बना रहे हैं। तो पहली बात ये कि दूध और दही का रेशो क्या होगा। अगर हम 2 कप दूध ले रहे हैं तो आधा कप दही लेंगे, ये रेशो बहुत अच्छा दही बनेगा इसमें। और इसी रेशो से आप बढ़ा लें, यानी 4 कप दूध कर लें तो फिर 1 कप दही कर लें। अच्छा, दूसरी बात ये कि जब भी दही बनाएं या तो शीशे का बर्तन लें या मिट्टी का बर्तन लें या स्टील का बर्तन भी, जैसे मैं स्टील में बना रही हूँ, स्टील का बर्तन में भी बहुत अच्छी दही जमती है। और इसका तीसरा पॉइंट ये है कि आप किस मौसम में बना रहे हैं। जैसे अभी मई का महीना है और कराची का वेदर है, तो तकरीबन 7 से 8 घंटे में दही तैयार हो जाती है बहुत अच्छी। लेकिन अगर सर्दियों का सीज़न होगा तो फिर आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा भी देना पड़ेगा। इसके अलावा फिर ऐसी जगह में रखें दही के बर्तन को जमाने के लिए जो थोड़ा सा गर्म जगह हो, चूल्हे के पास हो या किचन हो, तो फिर जम जाती है सही अच्छी। तो हम आपको बताते हैं करना क्या है। हम 2 कप दूध लेंगे, 2 कप दूध, और मेरे पास ये है 1/2 कप दही। ठीक है, इसको मैं दही को अच्छी तरह फेंट लेते हैं। फेंटने के बाद इसमें शामिल कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से हिला के रख दूंगी मैं इसको। तकरीबन 7 से 8 घंटे में इंशाल्लाह तैयार हो जाएगी। ठीक, ये हमने सुबह दही बनाई जमाने के लिए रखी थी तकरीबन 6 बजे और इस वक्त 2 बज रहे हैं, तो ये दही जम गई है। ये देख सकते हैं आप इसी कंसिस्टेंसी, ये ठीक है, तकरीबन 8 घंटे में ये दही तैयार हो गई है। अब मैं आपको इसकी लस्सी बनाना बताऊँगी। लस्सी 2 तरह से बना सकते हैं आप, नमकीन लस्सी भी और मीठी लस्सी भी। तो अब मैं आपको नमकीन लस्सी बता रही हूँ। तकरीबन मैं 1/4 गिलास जो है वो दही लूँगी। ठीक है, 1/4 गिलास तकरीबन दही लिया। इसको अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। ये नमक है और चीनी, अगर आप मीठी बनाना चाह रहे हैं तो चीनी डाल लें 2 चमचे, और अगर आप नमकीन बनाना चाह रहे हैं तो नमक डाल दीजिए। मैं इसमें नमक डाल लेंगे 2 चुटकी। ठीक है, और फिर इसमें पानी दूध शामिल कर देंगे, और अच्छी तरीके से हम मिला लेंगे। ठंडी करने के लिए हमने बर्फ़ लिया है, इसमें बर्फ़ डाल दिया, तो उस तरह से नमकीन लस्सी तैयार है।